का नाश्ता मिले ना तो आप रोज व्रत करोगे, आप क्या पूरे घर वाले व्रत रखेंगे। तो आज की रेसिपी एकदम परफेक्ट है, बहुत सिंपल है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जब ये हमारे घर में बनती है तो हमारे यहाँ खाना नहीं बनता, बच्चे और हम सब मिलकर इसे ही खाते हैं, क्योंकि घर में चार लोग हैं, अगर कोई एक व्रत रखे तो सबका व्रत हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़े से मूंगफली के दाने लेंगे। तो ये दाने जो है ना, मैं इनको सेक करके स्टोर करती हूँ, ऐसे ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, दाने खराब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दाने के हमने छिलके हटा दिए हैं। और अब क्या करेंगे, एक आलू लेंगे। तो देखिए जो मेरे हाथ में ना, इस साइज का एक ही आलू लेना है, और इसके अब छोटे छोटे से हमें टुकड़े करना है। अगर आप इसका स्वाद दो गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आप कच्चे ही आलू का यूज करें और इसको पतला पतला सा कट कर ले। आपको आलू नहीं खाते हैं व्रत में तो आप आलू स्किप कर सकते हैं, व्रत में तो सब खाते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप डाइट पे हैं तो आप आलूओं को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर हम जो ना मूंगफली का ऑयल यूज करते हैं तो हमने वही ले लिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, थोड़ा सा जीरा सौंफ डाल दिए हैं, यहाँ पर मीठी नीम डाल दी, इनको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पर दो मैंने हरी मिर्च को एकदम बारीक कट करके रखा था, इसको डाल दिए हैं। पहले ही कुछ तैयारियां करके रख ली थी, जैसे ही हरी मिर्च हल्का सा भुन जाएगी तो जो हमने मूंगफली के दाने तैयार करे थे ना, इनको डाल देना है। और यहाँ पर डाल देंगे ये आलू, इनको मैंने एक बार अच्छे से धो लिया है, उसके बाद यहाँ डाल दिए। पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आलूओं को ही हमें डालना है। अब इसको हमें पकाना है तो धीमी आँच कर देंगे, लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जैसे चिप्स का फ्लेवर आता है ना, वैसे ही इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हम व्रत वाला नमक डालेंगे ताकि हमारे आलू जल्दी से गल जाए। मैं पहले आलूओं को ना बॉईल करके यूज करती थी, पर मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे। उसके बाद में इस तरह से बनाने स्टार्ट किए ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी कि इतना ज़्यादा टेस्टी लगती है। कुछ दिन अगर मैं नहीं बनाऊँ ना तो बच्चे कहने लगते हैं, मम्मा साबूदाने की खिचड़ी बना दो। तो यहाँ पर साथ के साथ आलूओं को भी हम भूनते जा रहे हैं, और मैंने टमाटर को बारीक कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटर स्किप कर सकते हैं, पर इसको जो मैं डालने का तरीका बताऊंगी ना वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर जब तक हमारे आलू भून रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ककड़ी को भी कट करके रख देंगे ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा ना सेव हो जाए। यहाँ पर आलूओं को मैंने चेक करा तो ये जो है ना, देखिए इस तरह से टूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना, हल्का सा इनका क्रंची सा फ्लेवर रहना चाहिए। और अब हम टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के बस इनको जस्ट मिक्स करना है। तो मिक्स करना है, पकाना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ साबूदाने को मैंने अच्छे से भिगो करके रखा, एकदम सॉफ्ट हो गया है, और देखिए कितना बढ़िया खिला खिला सा ये है। तो यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास नींबू है तो आप एक नींबू का जूस डाल सकते हैं, अच्छा रहता है, खट्टापन बहुत टेस्टी लगता है। हम आज मंडी गए थे सब्जियाँ लेने, पर नींबू और हरा धनिया लाना भूल गए, क्योंकि जब मंडी में थे ना तो हस्बैंड जी के पास फोन आया कि लेबर फैक्ट्री पर आ गई है, तो इसलिए हम फटाफट वहाँ से आ गए। तो कुछ सब्जियाँ जो है ना हमारी छूट गई, बाकी कुछ सब्जियां हम लेकर आ गए हैं। तो यहाँ साथ में ही हम आज ना 2.5 किलो केले लेकर आए थे। तो चलिए अब यहाँ पर जब तक हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है तो यहाँ पर जो है ना हम बनाना शेक बना लेते हैं साथ में ही। तो आज मंगलवार है पर हम सबके लिए ये खिचड़ी नाश्ता बना है। तो यहाँ पर केले को कट करेंगे, चीनी डालेंगे और थोड़ा सा इसको चीनी और केले को ग्राइंड कर लेंगे, और उसके बाद दूध डाल के ग्राइंड करेंगे। अगर आप चीनी और केले को नहीं पीसेंगे ना तो इसमें थोड़े थोड़े टुकड़े रह जाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले कई तरह से इसको ट्राई कर रखा है, तो ये वाला तरीका मुझे परफेक्ट लगा। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी ना, एकदम परफेक्ट है। मैंने इसको कई बार ट्राई करा है और ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो देखिए हमारी ये खिली खिली सी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। आप पेट भरकर इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है, हेल्दी है। एंजॉय करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।